दोस्तों, अगर आप भी अपना फेसबुक अकाउंट लॉगिन कर रहे हो और लॉगिन करते ही आ जाता है सेशन एक्सपायर्ड, कुछ इस तरीके का इशू आपको फेस करना पड़ रहा है, या फिर हो सकता है कि आप जल्द से ही फेसबुक यूज कर रहे हो, यूज करते करते हर 5 से 10 मिनट के बाद सेशन एक्सपायर्ड का कुछ इशू देखने को मिलता है, तो किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो परमानेंटली ताकि आपको दोबारा से यह प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, तो ये सब मैं आपको फिक्स करके दिखाऊंगा कि कैसे आप इसे 100% परमानेंटली फिक्स कर सकते हो ताकि दोबारा आपको सेशन एक्सपायर का इशू देखने को ना मिले। तो चलिए देखते हैं कि इसे आपने किस तरीके से फिक्स करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर देख लो, सेशन एक्सपायर्ड कुछ इस तरीके से लिखा नजर आ रहा है और लिख रहा है नीचे प्लीज लॉग इन अगेन, तो ओके करने के लिए बोल रहा है। तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम फिक्स करना है तो भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ओके कर देना। ओके करोगे तो लॉग आउट हो जाएगा कुछ इस तरीके से और बार बार लॉग इन करने के लिए बोलता है। तो एक बार लॉग आउट कर लो, कुछ इस तरीके से आप लॉग आउट कर लोगे और लॉग आउट करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना, आपको इस जो फेसबुक ऐप है ना उससे आपको बाहर आ जाना है। यहाँ पर आपको दोबारा से लॉग इन नहीं करना है, फेसबुक ऐप से आप बाहर आ जाओगे और बाहर आने के बाद आपको फेसबुक ऐप पर हल्का सा प्रेस करके रखना है। यहाँ पर देख लो, ये जो मेरा फेसबुक ऐप है, आपको इस फेसबुक ऐप पर ही हल्का सा प्रेस करके रखना है। ऐप इन्फो मिल जाएगा, इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्टोरेज का और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा क्लियर कैसे। तो आपको क्लियर कैसे करना है, क्लियर डेटा नहीं करना, अदरवाइज आपका कोई ना कोई डेटा जरूर लॉस हो जाएगा या फिर ड्राफ्ट वगैरह में कोई रील्स वगैरह आपने सेव करके रखा होगा तो वो सब के सब डिलीट हो जाएंगे। तो आपको क्लियर कैसे करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है। अगर आप एंड्रॉयड यूजर हो तो प्ले स्टोर में, और एप्पल या फिर आईफोन यूज करते हो तो फिर आपको ऐप स्टोर जाना पड़ेगा। इसके बाद आपको सर्च कर लेना है फेसबुक, और यहाँ पर देख सकते हो कि ये अपडेट मांग रहा है, तो आपको अपना फेसबुक एप्लीकेशन जो है वो अपडेट कर लेना है, क्योंकि काफी सारे लोग हैं दोस्तों जो कि अपना फेसबुक एप्लीकेशन जो है वो वर्षों तक अपडेट ही नहीं करते और उनका फेसबुक एप्लीकेशन काफी पुराना वर्जन का होता है, जिसके वजह से भी सेशन एक्सपायर्ड का कुछ ना कुछ इशू आता है। तो अगर यहाँ पर देख सकते हो ये अपडेट हो जाता है, ओपन आ रहा है, तो अब आप जैसे ओपन करोगे, ओपन करना अपना पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर देना। पासवर्ड टाइप करने के बाद जैसे ही आपका फेसबुक अकाउंट लॉगिन होगा और आप यहाँ पर देख सकोगे कि आप में ये सेशन एक्सपायर्ड वाला कोई इशू देखने को नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर देख रहा हूँ, मैं इतनी देर से चला रहा हूँ, मैं यहाँ पर रिफ्रेश वगैरह भी कर रहा हूँ, तो इस तरीके से कोई भी इशू अभी तक तो नहीं आया है और आगे भी नहीं आएगा, क्योंकि एक बार आपको अपना कैसे क्लियर करना है और दूसरा आपको अपना प्ले स्टोर से जाकर या ऐप स्टोर से जाकर अपना फेसबुक को अपडेट कर देना है। ये दो चीज़ें करो, 100% ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। अगर आपका फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो चुका है तो आप मुझसे कॉल मी फॉर ऐप पर बात कर सकते हो, मेरी आईडी आपको नज़र आ रही है ट्रिकी अजीम, इस पर क्लिक करके मुझसे बात कर लेना।